पर्दार आर पार धुआंधार मिशन ओडिशा दखल पाई बीजेपी रो हाई वोल्टेज प्रचार इस बार 21 के 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई बीजेडी कांग्रेस उपरे सांघातिक प्रहार अमित शाह नड्डा मोदी जयशंकर पर आज ओडिशा रे बीजेपी रो बल बढ़ाई प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कलाहांडी और रायगढ़ रे दलियों प्रचार और मंग धरिया सह एथर ओडिशा रे माहौल बदल और बीजेपी ओडिशा रो समस्त 21 लोकसभा आसन में जितब बोली दम्भोक्ति भरी राजनाथ बीजेडी सरकार जो सबू सुविधा मिलूना बीजेपी सरकार आसिले से सबू लोक मिलवा निश्चित बोली प्रतिश्रुति प्रतिरक्षा मंत्री पहले भी मैं ओडिशा में आता रहा और इस बार भी मैं ओडिशा में आया इस बार ओडिशा का माहौल मुझे पूरा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है आज यदि मैं ओडिशा के बहनों भाइयों से पूछता हूं ये बताओ इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में ओडिशा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है तो हर ओडिशावासी यही बोल रहा है इस बार 21 के 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई सेपटे बीजेपी सरकार और सफलता गणाइवा सह कांग्रेस उपरे भी जोरदार निया बाण फुटिंट राजनाथ कोरोनार सफल मुकाबला हेउ कि रूस युक्रेन युद्ध बेले भारतीयों को सुरक्षित भावे देश को फेराई आणवा धारा 370 उच्छेद हेउ कि राम मंदिर निर्माण आदिवासी को सम्मान हेउ कि देशर अर्थनीति को पंचमरे पहुंचाइबा प्रति क्षेत्र में मोदी सरकार काम सारा देश देखी कांग्रेस 50 वर्ष धरी किछि करि नथिबा बेले 10 वर्ष भितर मोदी 25 कोटी लोकंकु दारिद्र्य सीमारेखा उपरकु आणिछन्ति विशेषकर दुर्नीति प्रसंग और बीजेपी आसिले संविधान बदलाइबा नै कांग्रेस जो अपप्रचार चलाउछि तार भी कड़ा जवाब दैछन्ति राजनाथ भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है हम लोगों ने कहा था जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार बन जाएगी अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी हमारे प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी सारे धर्माचार्यों के मार्गदर्शन 80 times संविधान संशोधन करने का काम कांग्रेस ने किया और हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि संशोधन करेंगे सेपटे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोटपाड़ कुंद्रा और नवरंगपुर हाट भरंडी में दलीय प्रार्थी निर्वाचन प्रचार करने बीजेडी और कांग्रेस विरोध में बर्षि तो मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वातावरण है उसी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उड़ीसा में भी बहुत अच्छा वातावरण है इसके पहले कोटपाड़ विधानसभा में हम थे वहां भी विशाल जनसमूह उमड़ा था और यहां पर उमरकोट विधानसभा की सभा में भी आप लोग भी देख रहे हैं इतनी धूप के बाद भी भारी संख्या में मतदाता भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं मोटा मोटी बीजेडी रो अकल गुड़ुम कलाणी बीजेपी हेवीवेट को माराथन कैंपेनिंग विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सरकार और शपथ ग्रहण लागि लोकंक निमंत्रण दे जिबा परे एबे बीजेडी रो इक्वेशन गड़बड़ पई फुल दमरे लागिछंती बीजेपी नेता सेथिपाय तो आसंता काली आसुछंती केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पूरी कृष्ण प्रसाद रे से विराट जनसभा को करिवे संबोधन सेपरि नवरंगपुर तीनटि स्थान रे सभा करिवे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा मलकानगिरी चित्रकोंडा और खलीकोटे करेंगे प्रचार 10 तारीख में पुणि थे ओडिशा आसी मोदी भुवनेश्वर रोड शो करने 11 तारीख में कंधमाल बरगड़ और बलांगीर में विशाल जनसभा करार रही कार्यक्रम सेपर 12 तारीख में पुणि थे अमित शाहा गस्त कार्यक्रम रही आगक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव केन्द्र महिला और शिशु विकास मंत्री स्मृति ईरानी बॉलीवुड अभिनेत्री तथा बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भली बहु आग धाड़ी नेता ओडिशा आसी प्रचार और मंग धरवार रही कार्यक्रम ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज मोबाइल फोन ओ सांगसाथी आपण को पिलाटीर पाठपढ़ा ओ करियर को प्रभावित करूछि कि आपण सेति पे विद्रुत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठबाटना भुवनेश्वर जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।